हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कल अपन ने एक्सरसाइज नंबर 13.1 को भी स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अपन ने देख लिया, आज अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, द लेंथ ब्रिथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.5 पर मीटर स्क्वायर। आपको एक रूम दे रखा है, रूम की जो लेंथ है कितनी दे रखी है 5 मीटर, रूम की जो ब्रिथ है कितनी दे रखी है 4 मीटर और रूम की हाइट कितनी दे रखी है 3 मीटर। आपको क्या करना है, इस रूम के व्हाइट वॉशिंग करानी है। कहाँ कहाँ करानी है देखो, ध्यान से देखना। व्हाइट वॉशिंग आपको केवल फोर वॉल्स पे करवानी है और सीलिंग पे करवानी है, यानी इसकी चार दीवारों पे व्हाइट वॉशिंग करनी है और जो सीलिंग है उस पे व्हाइट वॉशिंग करनी है। तो अपने एरिया किसका चाहिए, केवल फोर वॉल्स का एरिया चाहिए प्लस सीलिंग का एरिया चाहिए। तो अपन सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, 2HL+B। ये होता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो 2 की जगह 2, एच की वैल्यू कितनी है अपने पास में 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो। L की वैल्यू कितनी है 5 और B की वैल्यू कितनी है 4, सॉल्व कर दो 2 × 3 = 6, 5 + 4 = 9, 6 × 9 = 54 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स कितना आ गया 54 मीटर स्क्वायर। और अपने को कलर कहाँ करना है, एक तो फोर वॉल्स पे करना है, इसका एरिया अपने निकाल लिया, और अपने को कलर करना है इसकी सीलिंग पे, तो एरिया ऑफ सीलिंग निकाल लिया। तो अब ध्यान रखना, जो सीलिंग होती है रूम की वो किस शेप में होती है, रेक्टेंगल शेप में होगी। इस रूम की जो सीलिंग है वो किस शेप में, रेक्टेंगल में, तो किसका फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अपन निकालते हैं एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग। अब जो सीलिंग होती है वो किस शेप में होगी, रेक्टेंगल शेप में, तो एरिया किसका लग जाएगा, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रिथ, एल इंटू बी, सोल्व कर दो। एल की वैल्यू कितनी है अपने पास में 5 मीटर, या हुआ 5 मीटर। बी की वैल्यू कितनी है अपने पास 4, तो 4, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 20 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सीलिंग कितना आ गया 20 मीटर स्क्वायर। तो टोटल आप दोनों को ऐड कर दो, तो एरिया ऑफ रूम फॉर वाइट वॉशिंग, एरिया ऑफ रूम फॉर व्हाइट वॉशिंग, यानी कि रूम का ऐसा एरिया जहां पे आपको व्हाइट वॉशिंग करनी है, कौन कौन सा हो गया, एक तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स हो गया 54 मीटर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ सीलिंग हो गया 20 मीटर स्क्वायर। दोनों का एड कर दो कितना गया 54 और 20 74 मीटर स्क्वायर। यह आ गया अपने पास में टोटल एरिया जहां पे आपको व्हाइट वॉशिंग करनी है। अब देखो, जो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी लग रही है व्हाइट वॉशिंग की, व्हाइट वॉशिंग करने की जो कॉस्ट लग रही है 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी लग रही है 7.50। तो लिख दो, सिंस कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग फॉर वन मीटर स्क्वायर एरिया कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू कितने, 7.50, ठीक है। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट कितनी है 7.50। देन कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग फॉर कितना 74 मीटर स्क्वायर, फॉर 74 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू क्या करोगे, 7.50 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 74 से। 7.50 किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 74 से मल्टीप्लाई कर दो, 7.50 को मल्टीप्लाई कर दो 74 से। कितना आ गया
555.0, ठीक है। तो कोस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 74 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 555 रुपीज। लिख सकते हो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 74 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू रुपीज 555, यह आपका आंसर हो जाएगा। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। देखो लेंथ आपको दे रखे 5 मीटर, विड्थ आपको दे रखे 4 मीटर, हाइट दे रखे 3 मीटर। आपको जो वाइट वॉशिंग करनी है वो कहाँ कहाँ करनी है? आपको एक तो जो फोर वॉल्स है वहां पे वाइट वॉशिंग करनी है, और एक रूम की जो छत है जो सीलिंग है उस पर वाइट वॉशिंग करनी है। तो अपन ने क्या किया, पहले जो चार दीवारें है फोर वॉल्स का एरिया निकाल लिया, 54 मीटर स्क्वायर आ गया। फिर जो रूम की जो सीलिंग होती है वो रेक्टेंगल शेप में होती है, तो अपने रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ सीलिंग निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया। फिर जो एरिया आया अपने पास में टोटल 74 मीटर स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 7.50 से, अपने पास टोटल कॉस्ट आ गई कितनी 555, ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।